नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जी सी इंडियन पर। मैं कुंदन कुमार। दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ आप घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फ्रूट्स का नाम के बारे में बता रहा हूँ, साथ में उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग और उसका साइंटिफिक नेम जिसे हिंदी में वैज्ञानिक नेम कहते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और उसका साथ में फिगर भी दिखाया जा रहा है ताकि आप उस चीज़ को आसानी से रिमेम्बर रख सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है आपका, पहला जो है वो है एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल मतलब होता है सेब। सेब यहाँ जो लिखा हुआ है, यह इसका आप फिगर देख सकते हैं आसानी से ताकि रिमेम्बर रख सके। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो आपको, अगर आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम सबका तैयारी करते हैं तो याद रखना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं भी रखेंगे तो दिक्कत नहीं है। बायो वगैरह है आपका सब्जेक्ट, तो साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नेम याद रखना और ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो ये जो रेड कलर में मैंने नीचे लिखा हुआ ये साइंटिफिक नेम है यहाँ जो आपको दिख रहा है, यह हो सके तो आप कॉपी में लिख लें और इसे आसानी से रिमेम्बर रखें। मैं इस साइंटिफिक नेम को इसलिए लिख दिया हूँ ताकि कोई स्टूडेंट अगर चाहेंगे उसे पढ़ना या जानना तो आसानी से उसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फल पर चलते हैं, जिस जो है एप्रिकॉट, APRICOT, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट मीन्स होता है खुबानी। खुबानी कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो इसका आप फिगर देख लीजिए आसानी से। खुबानी यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर आप नहीं पढ़ सकते अच्छा से तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को भी आप लिख लें कॉपी में ताकि आप आसानी से अगर रिमेम्बर करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बनाना, BANANA। बनाना मीन्स होता है केला। यहाँ जैसा आपको फिगर दिख रहा है, आप इसका फिगर यहाँ देखिए और यहाँ पर लिखा हुआ है बनाना। बनाना मीन्स केला। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फल की ओर। आगे है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसका फिगर देख लीजिए आसानी से। और ब्लैक करंट मीन्स होता है फल सेब। फल सेब को कुछ लोग अदर नाम से भी जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ, आप इसे आसानी से रिमेम्बर रख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ साइंटिफिक नेम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी मतलब होता है जामुन। जामुन का भी मैं चित्र आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है तो मैं चित्र इसमें नहीं दिखा सकता। आप जानते होंगे तो जानते हो, नहीं तो आप किसी तरह इसको रिमेम्बर रख लें। हो सके तो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ब्लैकबेरी मतलब जामुन, यह इसका लिखा हुआ है जो रूबस, यह है इसका साइंटिफिक नेम। रूबस जो इसका है साइंटिफिक नेम है। तो मैं साइंटिफिक नेम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको डिनोटेट कर रहा हूँ, लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को नहीं चाहिए। मैं उतना बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी का यहाँ आप चित्र देख सकते हैं आसानी से। ब्लूबेरी जो यहाँ पर है, मैं आपको इसका चित्र दिखा रहा हूँ, ये ब्लूबेरी है। इसको आप नीलबदरी कहते हैं, BLUBERY। ब्लूबेरी मतलब क्या होता है, नीलबदरी। कुछ लोग इसको जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आसानी से देख लीजिए। इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पर रेड अक्षर में लिखा हुआ है, आप इसको साइंटिफिक नेम को भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा COCONUT, कोकोनट। कोकोनट मीन्स होता है नारियल, ये तो सभी लोग लमसम जानते हैं। इसका यहाँ फिगर देख लीजिए, ये नारियल के अंदर का निकाला हुआ छिलका बाहर से कुछ हटा दिया गया है ताकि और आसानी से आप देख सकें। तो ये आप कोकोनट को देख लीजिए, यहाँ से कोकोनट है ये। कोकोनट मीन्स नारियल, साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको ज़रूरत हो तो साइंटिफिक नेम को लिख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल मीन्स होता है शरीफा, या कुछ लोग इसको सीताफल भी कहते हैं। जैसे कस्टर्ड एप्पल, CUSTARD APPLE, एप्पल, कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल या शरीफा। ये देख लीजिए इसका चित्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट। डेट मीन्स खजूर होता है। डेट मीन्स खजूर होता है, ये तो लमसम सभी लोग जानते हैं। खजूर बहुत तरह का होता है, इसका वैज्ञानिक नेम भी या साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है, खजूर, DATE। डेट, डेट मतलब दिनांक भी होता है, लेकिन ये दिनांक नहीं समझेंगे, ये आप ये दिनांक नहीं समझें, ये डेट मीन्स खजूर, ये फल है, फ्रूट है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फीग, FIG फीग। फीग मतलब अंजीर। अंजीर कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ये कुछ अलग किस्म का फल है, तो इसका वैज्ञानिक नाम भी फिकस करिका लिखा हुआ है, आप इसे भी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए ये आप अच्छा से रिमेम्बर रख लीजिए, इसका मैंने चित्र भी आपको दिखाया है। और नेक्स्ट फल चलते हैं हम लोग जो कि गुलबेरी है, गूसबेरी। गूसबेरी GOOSEBERY, गूसबेरी मतलब होता है आंवला। आंवला देख लीजिए, इसका यह है फिगर और इसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे आसानी से रिमेम्बर रखें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा फल है वो है ग्रेप्स, GREPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर, ग्रेप्स मतलब अंगूर होता है। यहाँ इसका फिगर भी आप देख सकते हैं, ये फल सभी लोग लमसम जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्वाभा, GUAVA, ग्वाभा मतलब होता है अमरूद। अमरूद का यहाँ पीक देख सकते हैं, ये लमसम सभी के घर में पाया जाता है, या आसानी से ये सभी लोग जानते हैं, कहीं कहीं हो सके नहीं जान सके, ये ग्वाभा मीन्स अमरूद। और इसका ये साइंटिफिक नेम यहाँ पर रेड अक्षर में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल, GACKFRUIT, जैक फ्रूट मतलब कटहल। कटहल यहाँ देख लीजिए, इसका फिगर ये हुआ और ये हुआ इसका साइंटिफिक नेम। चलिए नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं लेमन या लाइम भी कुछ लोग इसको कहते हैं, ये इसका फिगर हुआ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नींबू, इसको लेमन भी कुछ लोग कहते हैं, लाइम भी कहते हैं, LEMON लेमन, LIME लाइम। लेमन या लाइम कुछ अलग नाम से भी अलग अलग जगह जानते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ। और नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा है वो है लीची, LYCHEE लीची, कुछ लोग इस तरह से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग LITCHE लीची इस टाइप से पढ़ते हैं, तो आप दोनों रिमेम्बर रख लीजिए जैसा आपको उचित लगे। ये इसका वैज्ञानिक नेम है और ये इसका फिगर है, आप इसे आसानी से रिमेम्बर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कि सब बहुत प्रसिद्ध फ्रूट है, वो है मैंगो, MANGO। मैंगो मीन्स होता है आम। आम का यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये पका हुआ आम है और इसका ये साइंटिफिक नेम है, मैंगो मीन्स आम। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मलबेरी। मलबेरी मतलब होता है शहतूत, कुछ लोग इसको तूत तूत भी कह देते हैं। यहाँ इसका ये जो है, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है लिखा हुआ यहाँ रेड अक्षर में। और यहाँ ये मलबेरी मतलब शहतूत, यहाँ इसका फिगर देख सकते हैं आप, ये फिगर है MULBERY, मलबेरी। मलबेरी मीन्स शहतूत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा मस्क मेलन है, इसका ये फिगर देख सकते हैं, मस्क मेलन। इसका ये साइंटिफिक नेम हुआ, वैज्ञानिक नेम MUSKMELON, मस्क मेलन मतलब होता है खरबूजा। खरबूजा को अधिकतर सभी लोग जानते हैं और इसको आप लोग बराबर यूज भी करते हैं, गर्मी के दिन में ये अधिक यूज होता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फल की ओर चलते हैं, जिस ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स होता है संतरा या नारंगी, इसका ये वैज्ञानिक नेम है और ये इसका फिगर हुआ, आप इसे आसानी से रिमेम्बर रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पपाया, PAPAYA, पपाया मीन्स होता है पपीता। पपीता भी बहुत लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते ही हैं, इसका ये फिगर देख लें और ये साइंटिफिक नेम हुआ, पपाया मीन्स पपीता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है पीच, PEACH पीच। पीच मतलब होता है आडू। आडू देखिए इस टाइप का इसका फिगर होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है आडू, ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ, वैज्ञानिक नेम, इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं जिसका नाम है पियर, PEAR, पियर मतलब होता है नाशपाती। नाशपाती का ये चित्र देख लीजिए और ये रेड में साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब नाशपाती, अगर साइंटिफिक नेम का ज़रूरत पड़े तो आप लिख लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पाइन एप्पल, PINEAPPLE, पाइन एप्पल मीन्स होता है अनानास, इसको तो लमसम सभी लोग जानते होंगे, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका फिगर हुआ और यहाँ लिखा हुआ है अनानास। चलिए नेक्स्ट फल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा पल्म, PLUM, पल्म मीन्स होता है बेर या आलू बुखारा। ये बेल का, बेर का मैं
बेर हुआ, बेर का मैं आपको चित्र नहीं दिखा पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप इसे ऐसे याद रखें, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो कहीं और चित्र देख लें ज़्यादा बेहतर, अच्छा होगा आपके लिए। और तो चलिए, चित्र भी यहाँ इस टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन ये इस टाइप से बेर कुछ अलग टाइप से भी होता है कि जो चित्र दिख रहा है आपको, इसीलिए ये चित्र में कुछ प्रॉब्लम भी है। हालांकि ये बेर इस टाइप का ही होता है, लेकिन इसका कलर कुछ चेंज है, ग्रीन कलर होता है थोड़ा सा, तो इस टाइप से भी हो सकता है ये पका हुआ बेर। ठीक है, तो चलिए यहाँ चित्र देख लीजिए, यहाँ आपको यहाँ साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है रेड अक्षर में, आप इसको आसानी से देख लीजिए। और नेक्स्ट है हमारा पोमीग्रेनेट, POMEGRANATE, पोमीग्रेनेट मतलब होता है अनार, अनार को आप आसानी से देख सकते हैं, तो जनरली सभी लोग ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ और ये लिखा हुआ है अनार। चलिए नेक्स्ट फल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फल है हमारा राइसिन, RAISINS, राइसिन मतलब होता है किशमिश, किशमिश भी एक प्रकार का फल ही है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं इसका फिगर, ये तो सब लोग लमसम यूज करते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, अगर ज़रूरत हो तो लिख लें, RAISINS, राइसिन, राइसिन मतलब किशमिश। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो है सपोता या नसबेरी भी कहते हैं कुछ लोग, सपोता या नसबेरी, SAPOTA या NASEBERY, सपोता या नसबेरी मतलब क्या होता है, चीकू, चीकू फल, कुछ लोग नाम नहीं सुनेंगे तो देख लीजिए इसका चित्र कैसा होता है, और यह हुआ इसका साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम है, अगर ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। रेड कलर में जितना भी लिखा हुआ है सभी वैज्ञानिक नेम है, यानी कि साइंटिफिक नेम है, उसको आप अगर आपको उसका ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टार फ्रूट, स्टार फ्रूट मतलब होता है करमल, इसको कुछ और नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, और STARFRUIT, स्टार फ्रूट मतलब करमल, यह इसका साइंटिफिक नेम है, मीन्स वैज्ञानिक नेम, इसे आप अगर ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा स्वीट लाइम या स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं, SWEETLIME, स्वीट लाइम या स्वीट ऑरेंज, SWEETORANGE, स्वीट लाइम या स्वीट ऑरेंज को हम मौसमी कहते हैं, मौसमी इसका ये साइंटिफिक नेम है, यहाँ देख लीजिए, और ये इसका फिगर है, आप इसे आसानी से रिमेंबर रख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा 30 नंबर जो फल है वो है टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड मीन्स होता है इमली, इमली तो लमसम सभी लोग जानते हैं, और इसका ये साइंटिफिक नेम मीन्स वैज्ञानिक नेम हुआ, और ये इसका फिगर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, वाटर चेस्टनट, यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए इसका, वाटर चेस्टनट का यहाँ लिखा हुआ है, WATERCHESTNUT, वाटर चेस्टनट मीन्स होता है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा फल आप लोग सुने होंगे, अधिकतर लोग जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, वाटर मेलन, WATERMELON, वाटर मेलन होता है तरबूज, तरबूज का ये साइंटिफिक नेम हुआ, और ये इसका फिगर आप देख लीजिए, ये वाटरमेलन तरबूज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो फल है हमारा वो है वुड एप्पल, मीन्स होता है बेल, WOOD, WOOD, एप्पल, वुड एप्पल मीन्स बेल, यहाँ पर इसका फिगर देख सकते हैं, और ये हुआ रेड अक्षर में साइंटिफिक नेम, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेल। तो चलिए हम यहाँ पर आपको 33 फ्रूट्स दिखाए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे आसानी से लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे को फ़ायदा हो और वो चित्र के साथ देख सकें। और अगर आपको लगेगा कि इस वीडियो से हमें कुछ सीख मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा आगे के लिए, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कुछ सीख रहे हैं इस चैनल से, तो आप इसे इस चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ला रहा हूँ, 10th के मैथमेटिक्स का भी वीडियो ला रहा हूँ, और इंग्लिश का भी काफ़ी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, इसी तरह फिगर के साथ, ताकि आप आसानी से रिमेंबर रख सकें। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।